अस्सलाम वालेकुम, पीएम इंटर्नशिप में अप्लाई के लिए लास्ट डेट क्या है? क्या बीए डिग्री होल्डर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या इंटरमीडिएट डिग्री होल्डर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या मैं ट्रांसक्रिप्ट से अप्लाई कर सकता हूँ? सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद इंटर्नशिप जो है वो इस डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेरी डिग्री वेरीफाई नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मैं जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जॉब के रिलेटेड मैं वीडियोज़ जो हैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो जैसे कोई वीडियो नई अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलेगा और उसको वॉच करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप पीएम इंटर्नशिप पोर्टल जो है उसको लॉगिन कर लेना तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट जो है वो मिल जाएगी, 30 सितंबर 2024 है। उससे पहले पहले आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो जो सेकंड क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछा जाने वाला कि मेरे पास बैचलर डिग्री है या मैंने बीए किया हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन 16 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, मतलब आपका मास्टर डिग्री या बीएस 4 ईयर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और 1 जून 2022 से लेकर 30 अगस्त 2024 के इन 2 सालों के दरमियान आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा आप जो है अगर आफ्टर मैट्रिकुलेशन अगर आपकी 2 ईयर डिप्लोमा है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक के बाद 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। 3 ईयर डिप्लोमा में कौन से डिप्लोमा याद आते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल फील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियरिंग, आपका DI इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, मैकेनिकल, तो इस तरह के अगर आपके 3 ईयर को डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है या एग्रीकल्चर साइंस डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं मैट्रिक के बाद, ठीक है, जो कि ये वाले डिप्लोमा जो है DI 3 ईयर इंटरमीडिएट के इक्वल ही इसको कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप में अप्लाई के लिए। तो वो डिप्लोमा कौन कौन से हैं जो जिसको आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप ऑल फील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो डिप्लोमा भी चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ डिप्लोमा जो है वो दी हुई है, तो जितने भी डिप्लोमा यहाँ पे लिस्ट पे शो हो रहे हैं तो अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा किया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड इससे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन जो है इनकी लिस्ट मिलेगी। आपने 1 बाय 1 इनको रीड आउट कर लेना है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आंसर जो है मैं आपको यहाँ पे जो है चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देखें, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो अगर आप कह रहे हैं कि जो आपकी सिलेक्शन के बाद इंटर्नशिप है किस डेट से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि टेंटेटिव स्टार्ट डेट जो है वो कैंडिडेट की इंटर्नशिप की 1 नवंबर 2024 है। आपकी इंटर्नशिप जो है सिलेक्शन के बाद तो उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो दी हुई है वो है 1 नवंबर 2024 से। इंशाल्लाह आपकी जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इनको रीड आउट कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट है और 30 सितंबर 2024 तक आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनको रीड आउट कर लेना तो काफ़ी सारे आंसर आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर सारे किए हुए हैं, ये मैं इस तरह आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। तो यहाँ पर उन्होंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किया हुआ है कि आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, इसमें आपकी बैचलर डिग्री जो है वो नहीं आएगी, आपकी 16 ईयर डिग्री आएगी, या फिर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हो आफ्टर मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिक के बाद आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ हो तो फिर ही आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 25 साल है। तो उसके बाद आपकी डिग्री जो है वो भी HECC से या IBCC से आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 ईयर डिप्लोमा किया है और या फिर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया तो फिर वो वाली डिग्री जो है वो आपकी IBCC से वेरीफाई होंगी, और अगर आपकी बैचलर डिग्री और उसके बाद मास्टर है या आपकी BS डिग्री है तो फिर वो HECC से वेरीफाई होगी। इन दोनों के ऊपर मैंने कम्प्लीट वीडियो जो है वो बनाई हुई है कि आपने IBCC से किस तरह अपनी डिग्री वेरीफाई करनी है या HECC से आपने अपनी डिग्री किस तरह वेरीफाई करवानी है। तो इन वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ,
और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप किसी ऑप्शन से भी जाके इन वीडियोस को वॉच करके अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए HECC से या IBCC से वेरीफाई किस तरह करवानी है आपने, तो सारा प्रोसेस दे के ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जा रहा था कि हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इंटर्नशिप में कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वेयर विल द इंटर्न बी प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो उन्होंने बताया हुआ है कि इंटर्न विल बी प्लेस इन वेरियस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस पंजाब। तो आपकी पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे आपकी जो प्लेसमेंट है वो हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो अगस्त 2024 से आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी आपको डिग्री जो है वो नहीं मिली, लेकिन आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए या अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस के ऊपर भी इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत से दोस्त जो हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारी डिग्री जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए या नहीं अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपकी डिग्री जो है वो HECC से या IBCC से वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री जो है वो आप इंटरमीडिएट बेस, मतलब DA या अपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है उस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो है वो इंटरमीडिएट आएगी और आपकी वो IBCC से वेरीफाई होगी, या आपकी मैट्रिक के बाद आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया तो वो भी फिर आपका IBCC से वेरीफाई होगा, और अगर आपकी बैचलर BS या मास्टर डिग्री है, PhD है, MPhil है, फिर वो आपकी HECC से वेरीफाई होगी। तो आपने IBCC से किस तरह वेरीफाई करवानी है या आपने HECC से किस तरह वेरीफाई करवानी है, इस वाले से मैं ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपने इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोज का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की वेरीफिकेशन के वाले से और भी आपकी जो भी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए मैं आपको फ़ोटो जो है वो लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ आपको किस तरह का डाटा जो है वो शो हो रहा है और क्या रिक्वायरमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के हवाले से रखी गई है और आपने किस तरह अप्लाई करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटर्नशिप का पॉपअप मैसेज जो है वो शो होता है। तो यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशन जो है एलिजिबिलिटी के हवाले से इनको क्लियरली रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल के साथ सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्वालिफिकेशन के हवाले से या कौन से आपके 2 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिप्लोमा जितने भी हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के हवाले से आप थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल CNSE फ्रंट एंड बैक जो है उसकी सॉफ्ट कापी, ठीक है, आपके स्कैन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कापी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर सेकंड पे पासपोर्ट साइज प्रोफेशनल पिक्चर सॉफ्ट कापी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये वाली चीज़ जो है वो उन्होंने सॉफ्ट कॉपी जो है यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने वो अपनी लाइव पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो उससे नेक्स्ट नंबर थर्ड पे वेरीफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ब्लेड इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन या IBCC भी आप बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा, ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए उसकी फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। नेक्स्ट जो आपने जिस तरह अपलोड करनी है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, टर्म एंड कंडीशन को आपने इस तरह क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी देनी है, ठीक है, इस हवाले से मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को फॉलो करके आप आसानी के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो भी कन्फ्यूजन आ रही थी या कोई भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है, आपको जो भी इशू था उसको मैंने रिजॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो जितने भी दोस्तों के जो भी क्वेश्चन थे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको यहाँ पे आंसर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, डिग्री की वेरिफिकेशन के हवाले से आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन के हवाले से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जब आप अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करेंगे तो आपने ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड की है तो मैं यहाँ पर आपको एडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड की, आपने भी ऐड कर लेनी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि HECC ऑब्लिक IBCC वेरीफाइड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज जो है वो शो होगा, वो क्या होता है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी डिग्री की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और यहाँ पे बैक साइड, ये उन्होंने मैंशन किया वो डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है आपका आपने यहाँ पे उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी है, आपकी डिग्री की या ट्रांसक्रिप्ट की वेरीफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं येस करता हूँ, जैसे ही
तो यहाँ पे देखें ये और ऑप्शन जो है वो मुझे शो हो गए हैं, जिसमें वेरिफिकेशन डेट है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, किस डेट को आपने वेरीफाई करवाई थी, और वेरिफिकेशन नंबर, वो जब आप वेरीफाई करवाएंगे तो वहाँ पे आपको डिग्री के ऊपर मिल जाएगा वेरिफिकेशन नंबर, वो तो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नो चूज करते हैं, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कौन सा मैसेज शो होता है। यहाँ पे जैसे ही आप नो करें तो यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, योर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आर डिप्लोमा हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, यू कैन प्रोसीड टू फिल आउट योर डिटेल्स बट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटर्नशिप अनटिल योर डिग्री इज वेरीफाइड फ्रॉम HEC या IBCC, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया हुआ कि आप अगर आपकी डिग्री जो है वो HEC से या IBCC से वेरीफाई नहीं है तो फिर आप अप्लाई तो कर सकते हैं, फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगी जब तक आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब आपने करना क्या है कि आपकी IBCC से या HEC से डिग्री जो है वो वेरीफाई नहीं है तो फिर आपने किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी से भी अपनी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवाते हैं तो आपके 30 से 40 दिन इजीली HEC से लग ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका ऑनलाइन सिस्टम है, आप अर्जेंट उसके लिए अपॉइंटमेंट लें फिर भी आपको 1.5 माह के बाद की डेट मिलेगी, ठीक है। या आप थ्रू TCS करें तब भी आपके 30 से 40 दिन लग ही जाएंगे, लेकिन IBCC ने ये सहूलत जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दे दी है, ठीक है। अगर आप मैट्रिक के बाद आपकी DA का डिप्लोमा वगैरह है तो, या उसके बाद आपका मैट्रिक का है, उसके बाद आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, ये वाली डिग्री जो है वो आपने अगर IBCC से वेरीफाई करवानी है तो उसने अर्जेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की कर दी हैं, ठीक है, जिसको उसने एक्सप्रेस सर्विसेज का नाम दिया है। तो फ्रेंड्स आप IBCC से एक्सप्रेस सर्विसेज के थ्रू अपनी डिग्री जो है वो सेम डेज के अंदर भी वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने ये वाली स्कूल जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद ऑफिस में है, ठीक है। इसके लिए यह है कि आप अगर पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसको अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए आपने इस्लामाबाद ऑफिस जो है वो IBCC का वहाँ पे जाना है, ठीक है। आपने सेम डेज में ऑनलाइन अप्लाई करके तो फीस पे करनी है, और जो इवनिंग टाइम है वो अपॉइंटमेंट का वो देते हैं, ठीक है। तो आपने इस्लामाबाद जो है इवनिंग टाइम में अपनी डिग्री जो है वो सेम डेज में वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है कि आपने किस तरह वेरीफाई करवाना है और किस तरह अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आपको IBTN भी मिल जाएगा। आप किसी ऑप्शन से जाके भी उस वीडियो को फॉलो करके IBCC की जो एक्सप्रेस सर्विसेज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने प्रॉपर जो है वो पूरी कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकूँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिप्लाई करूं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।